यहाँ तक पत्थर और बालू दिख रहा है, मतलब कि जो कहीं स्विमिंग पूल की तरह बना हुआ था और अब देख रहे हैं कि बालू भरा हुआ आधे से ज्यादा में। ये सब कैसे हुआ? हमारे YouTube चैनल पर हमने ककोलत का एक वीडियो बनाया था, 17 से 18 लाख लोग करीब उसको देख चुके हैं। ये करीब लगता है कि 1.5-2 साल पहले हमने उस वीडियो को डाला था। आज फिर हम ककोलत आए हैं। ककोलत शीतल जलप्रपात, जो कि बिहार का इकलौता ऐसा शीतल जलप्रपात है, जहाँ एकदम ठंडा ठंडा पानी झरने की तरह पहाड़ के ऊपर से गिरता। हम पहाड़ के ऊपर भी गए थे उस वीडियो में, बहुत डीप तक दिखाए थे। आज फिर हम यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ इस समय भीम आर्मी नवादा जिला के जिला अध्यक्ष चंदन चौधरी हैं, ऋतिक राज हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, और नवीन कुमार हमारे साथ हैं, भीम आर्मी के नेता हैं, और धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी नवादा जिला के हिसुआ प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। तो इन लोग के साथ आए हैं एक बार फिर से घूमते फिरते, चूँकि हम लोग गांव में जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोग भीम आर्मी को लेकर के सक्रियता बढ़ा रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, तो सोचे क्यों ना ककोलत हो आए, तो आज फिर आए हैं। तो इस बार जो है देखने को कुछ बदलाव मिला है कि सीढ़ियाँ बन गई, और इन लोग से भी बात करें, चूँकि सारे लोग नवादा ज़िले से हैं, नवादा में ही ककोलत शीतल जलप्रपात है। चंदन जी, क्या बदलाव यहाँ पर आपने देखा? यहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ है। पहले जो हम लोग आते थे तो ये सीढ़ियाँ जो है ऐसे ही पत्थर से बना हुआ था, मगर इसमें रेड टाइल्स लगाया गया है और इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। किनारे किनारे ये बम्फर से इसका बाउंड्री किया गया है ताकि नीचे यहाँ से लोग नीचे नहीं गिरे। ऋतिक जी, ये जो पहले हम लोग आते थे तो पूरा यहाँ तक हम लोग देखते थे कि बहुत गहराई है, लोग डूब डूब के नहाते थे, एंजॉय करते थे। अभी देख रहे हैं कि यहाँ तक पत्थर और बालू दिख रहा है, मतलब कि जो कहिए स्विमिंग पूल की तरह बना हुआ था और अब देख रहे हैं कि बालू भरा हुआ आधे से ज़्यादा में। ये सब कैसे हुआ? ये बाढ़ का कुछ जो चपेट है उसी का ये नतीजा है। इस बार जो पूरे बिहार में बाढ़ आई थी तो ककोलत में भी पानी बढ़ जाता है। बिल्कुल, ककोलत में भी बाढ़ आता है और इससे बहुत सारे जगह जो दिख रहे होंगे क्षतिग्रस्त हो जाता है। अच्छा, बाढ़ के साथ पत्थर भी आए होंगे, बालू भी? बिल्कुल बिल्कुल आए होंगे बालू। बालू से ये देखिए भर गया है। हाँ बिल्कुल भर गया। क्या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन इसमें यही होना चाहिए, नियमित तौर पे मतलब हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है, बाढ़ से ये जो जगह है पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसका एक उचित निजात नहीं मिल पाया है यहाँ का। यहाँ के सौंदर्यीकरण लगभग बहुत सालों से सुन रहे हैं लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं हुआ है। धर्मेंद्र जी आइए, ककोलत में सर होना तो बहुत चाहिए था। यहाँ जो है पूरे बिहार से, पूरे भारत से और इंटरनेशनल जगह माना जा रहा है, लेकिन ये जो सरकार है इस पर कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल? जी जी जी, इसको अंतर्राष्ट्रीय माने पर्यटन स्थल इसको घोषित किया जाए, और यहाँ जनसंख्या जो है बहुत सैलाब उतर माने उमड़ पड़ता है गर्मी का मौसम में, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन ये सरकार, बिहार सरकार जो नीतीश की सरकार है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नवीन जी, आपको क्या लगता है? ये तो हमारे बिहार सरकार नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए इस पर जोर से, क्योंकि बहुत दूर दूर से सैलानी लोग आते हैं यहाँ पर। इस पर नीतीश जी सरकार ध्यान दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सौंदर्यीकरण बना दें। गौतम पासवान हैं, यहीं ककोलत में रहते हैं, और इनसे बात करते हैं कि क्यों नहीं साफ सफाई की गई इसकी बाढ़ से। ये एक्चुअली इतना काफ़ी उधर से ये बालू उधर से जो बाढ़ आई है उससे वो कुंड से बाहर निकल गया। इस पर तो पूरा भरा हुआ था लेकिन इसके साइड से कुछ साफ हुआ है और कुछ बाकी है। इसमें भी थोड़ा हम लोग जितना जो यहाँ का रख रखाव है, व्यवस्थापक है, केयर टेकर है, वो सब मिल के ये सब पूरा पूरे लगे हुए जोर शोर से कि ये सब साइड हुई। पेड़ भी देखिए गिरा हुआ है, वो हवा के झोंक आया था बाढ़ में उसी से गिरा है ये। अच्छा, तो मतलब कि अभी कोई नहाने आएंगे तो उस तरह से देखने में नहीं लग रहा है कि जिस तरह का ककोलत है, और यहाँ पर अभी हम खड़े हैं तो एकदम लगता है कि आप एसी फेल है, और ठंडा ठंडा आप जो पीछे देख रहे हैं वो ठंडा ठंडा पानी गिर रहा है। अगर इस समय नहाने का तो समय नहीं, नहीं तो हम लोग नहाते भी, और काफ़ी समय हो गया है इस वजह से हम लोग नहा नहीं रहे, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर नहाते हैं, और इसी कुंड में लोग डुबकी लगाते हैं नहाते हैं। लेकिन अभी बाढ़ के बाद जो बालू और पत्थर के बहाव के कारण ये जो देखिए किस तरह से कुंड भर गया है, तो वो उस तरह का आप लोग भी आएंगे तो नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्पेस कम है। और ये देखिए पार्टीशन जो बना हुआ है, ये पार्टीशन है कि एक तरफ महिलाएं होती है और एक तरफ पुरुष होते हैं, ये इस तरह, तो इधर महिलाएं इधर पुरुष नहाते हैं, लेकिन
ये इसी जगह से सीढ़ी आई थिंक होगा, नहीं सीढ़ी था यहाँ, सीढ़ी था यहीं से लोग उतरते थे, लेकिन देखिए कि पूरा भरा हुआ है बालू से। तो नवादा जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान दे अगर, तो इसकी सफाई हो जाए तो पहले की तरह ककोलत फिर से हो सकता है, लेकिन नहीं लगता है। इसका सौंदर्यीकरण हुआ था और बहुत अच्छा हो गया था, ये सब साफ सफाई था, इसमें पूरा गड्ढा था, दोनों साइड में एक लेडीज एक जेंट्स बनाने का पटिशन भी डाला हुआ था लकड़ी का, मगर ये जो अचानक जो है पानी का तेज धार जो आया बाढ़ के जैसा, तो वो सब उथल पुथल कर दिया, सब टूट फूट गया। यहाँ का जो पेड़ था वो भी गिर गया, और गिर गया है तो देख रहे हैं एकदम बिल्कुल, मतलब बहुत खराब स्थिति की। बाढ़ ने ककोलत को बर्बाद, हाँ बाढ़ ने ककोलत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब देखना है कि जिला पदाधिकारी इस पर कितना जल्दी इसका सौंदर्यीकरण कराते हैं, क्योंकि इसका सीजन होता है, अभी ठंडा का समय है, सीजन ऑफ होने वाला है, इसीलिए इस पर्यटक लोग कम आ रहे हैं। जैसे ही सीजन होगा यहाँ भीड़ उमड़ जाती है, अब उससे पहले यहाँ का जिला पदाधिकारी इसको सौंदर्यीकरण करवाना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि। आप क्या सोचते हैं, अगर आप नवादा के हैं, नवादा के बाहर के हैं, ककोलत आए भी हैं कभी, तो भी आपको ये हालत, ककोलत की ये हालत देख करके चिंता जरूर हुई होगी कि बाढ़ के बाद पटना की सड़कें ही जाम नहीं हुई थी, वहाँ ही जल जमाव नहीं हुआ था, बल्कि ककोलत जो बिहार का इकलौता इस तरह का झरना है, वाटरफॉल है, जो शीतल ठंडा जल के लिए जाना जाता है, वहाँ की स्थिति भी सही नहीं रही, बाढ़ की वजह से ये स्थिति हो गई। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिहार सरकार से नवादा जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए, उनसे क्या कहना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, आगे भी इस तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम जय भारत।